नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि कुमार। रवि कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर गांव बस्तली, तहसील निसंग, जिला करनाल का रहने वाला हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 7 अगस्त 2016 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर ऐसा भक्ति साधना का तो हमें पता नहीं था, लेकिन जो हमारे धर्म के अनुसार मैं जिस कौम में हूँ, मैं अंबेडकर जी के मिशन में सबसे ज़्यादा था सर। मैं जितने युवा है उनको अंबेडकर जी की शिक्षाओं से परिचित करवाता था, यानी कि मैं बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं के अनुसार चलता था सर। और मेरा मानना ये था कि जो धार्मिकता है, ये पाखंडवाद है, इन्होंने देश का नाश करके रख दिया है, तो मैंने अपने समाज को, अपने युवा वर्ग को शिक्षित करना है और इन बुराइयों से दूर करना है। अभी जो जितने भी धार्मिक गुरु हैं, मेरे को उनमें कोई भी आस्था नहीं थी, ना ही मैं रविदास या धर्म में पैदा हुआ हूँ, मेरे को खुद रविदास जी में भी आस्था नहीं थी और ना ही मैं उनके आगे कभी शीश झुकाता था। उसका कारण ये था कि इन्होंने मेरे अंदर इतना बड़ा जहर भरा हुआ था, बौद्धिक जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी मैं उनके अनुसार ही चलता था। मेरे अंदर इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ था, मेरे को ये नहीं पता था कि भाई जो अध्यात्म मार्ग है, इन संतों ने अब बहुत ज़्यादा सामाजिक सुधार करने की कोशिश की है और ये परमात्मा का खेल कुछ अलग है। मेरे को सिर्फ इतना ही पता था कि इंसान को यहाँ अपना कर्म करना है और खुद मेहनत करके इन सभी जो बुराइयां हैं उनको दूर करना है। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल महाराज जी की शरण में आना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। उसका कारण यह था कि मेरे माता पिता संत रामपाल जी महाराज जी से 2016 में ही, मुझसे पहले 8 महीने पहले ही जुड़ गए थे। तो जब वो संत रामपाल महाराज जी से जुड़े तो मैंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप किस संत को घर में उठा के ले आए, ये सभी पाखंडवाद है, ये इसने इतना जेल में ये संत हैं और इसके बावजूद भी आप इनको यहाँ घर में लेके आ गए और इससे हमारी इमेज भी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि हम अम्बेडकर जी के मिशन को मानते हैं, बौद्धिक धर्म की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं उनको मानते हैं, और आप इस संत को इस घर में लेके आ गए, हमारे को समाज वाले क्या कहेंगे। मैंने उनको इतना विरोध किया भगत जी, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो मेरे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं, इसको आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको बहुत ही बुरा कहता था उसके बारे में। लेकिन जब वो आरती वगैरह करते थे, कई बार मेरे मन में, मैं घर आता जाता रहता था तो निकलते वक्त मेरे को आरती बड़ी अच्छी लगती थी। तो एक क्या कई बार क्या हुआ था, मैं जब अंदर से खाली था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो मैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के मेरे माता पिता जोत लगाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे उनका, वो गर्मियों के दिन थे, बाहर पड़े होते थे, सोए रहते थे और अंदर से लाइट ऑफ रहती थी, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के आगे रोता था, दंडवत प्रणाम करता था चोरी चुपके, उनको नहीं बताता था, मैं खुद रोता था चुपके, भाई अगर आप परमात्मा, आपकी वाणी मेरे को आकर्षित करती है तो आप हमारी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, अगर आप पूर्ण संत हैं तो हमें अपनी शरण में बुला लीजिए। और मैं संत रामपाल महाराज जी की जो किताबें हैं उनके सामने मैंने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझता था, अगर मैं अपने माता पिता के सामने इस किताब को पढ़ूंगा तो मैं चोरी छुप के ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसको पढ़ता था, मैं जानने की कोशिश करता था कि ऐसे इस पुस्तक में क्या है, कि जो भी ज़्यादा इसी का प्रचार हो रहा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा लिखा है देवी देवताओं के बारे में लिखा है, तो मैं खुद भी देवी देवताओं का बहुत तकड़ा विरोधी था, तो मैंने सोचा। और दूसरा पॉइंट ये था, ये कबीर साहब को परमात्मा बताते थे, संत रामपाल जी जो महाराज हैं वो कबीर साहब को परमात्मा बताते थे, मैंने कहा कबीर साहब है जो, वो तो उन्होंने तो पाखंडवाद का बहुत तगड़ा विरोध किया है और उन्होंने डंके की चोट पर उस समय के धार्मिक गुरुओं को भी पूरा चुनौती दी है, तो इनके जो दोहे हैं वो आकर्षित करते थे हमें, जैसे कुछ दोहे कबीर साहब के हैं कि ये आपा लिपा आपा पोता आप बनाई ओई, अरुष्पा बुढ़िया पोते मांगा तेरी अकल कड़क होई। तो मेरी ये जो जो ये दोहे थे कबीर साहब जी के, मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते थे कि ये कबीर साहब ने भी कहा फिर भी इतने लोग पागल हुए हैं, मतलब इनकी वाणियों को क्यों नहीं समझते। तो फिर मैंने एक दिन, मैं पढ़ा हुआ था तो मैंने मेरी माँ बाहर पड़ी हुई थी, मैंने अपनी माता जी से कहा कि माँ मैं कुरुक्षेत्र जाना चाहता हूँ, तो वो खुश हो गई कि कुरुक्षेत्र क्या काम है तेरे को। मैंने कहा बस मुझे काम है, तो मेरे माताजी और मैं और एक गांव से भगत जी कुरुक्षेत्र नामदान सेंटर पे आए और हमने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से 7 अगस्त 2016 को नाम दीक्षा ग्रहण की।
सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हुए? जैसे सर, संत रामपाल महाराज जी के शरण में आया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं, हमारे घर में इतना 25 साल का इतना ज़्यादा झगड़ा रहता था, कलेश रहता था कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा नियंत्रण खो बैठता था। हम भूत बाधा की प्रॉब्लम से हमारे घर में मैं अपनी मम्मी तक पे हाथ उठा देता था, उसको पीटता था। हमारे घर वो मुझे पीटती थी, मैं उनको पीटता था। इतना ज़्यादा गुस्सा था कि कई कई दिन हमारे घर में रोटी नहीं बनती थी, खाना नहीं खाते थे, स्कूल में ऐसे ही चले जाते थे। इतना ज़्यादा गुस्सा था, कलेश था, और मैं बाद में सोचता था कि ये क्या हो रहा है। मैं खुद भगत जी अपने जो बाल हैं उनको खुद ही हाथों से मैं खींच लेता था। इतना ज़्यादा गुस्सा आता था मेरे को, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं होता, छोटी सी बात पे मेरे को गुस्सा आ जाता था। तो संत रामपाल महाराज जी ने सबसे बड़ी दया मेरे गुस्से को कंट्रोल किया। पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गई मेरी माँ, मेरे को पानीपत लेके गई। एक बहुत तगड़ा मौलवी था भगत जी, वो भी बैठा था, वो कहने लगा कि मैं आपके घर की समस्याओं को का समाधान नहीं कर सकता, आपके घर पर इतनी तगड़ी बहुत बाधा है कि मैं आपके घर पर बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी जंतर मंत्र कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने जो दो बार हैंगिंग किया भगत जी, दो बार फांसी लेने की कोशिश की है, मेरे को ऐसा होता था कि जैसे ये लटक जाओ, बस मर जा, अभी मर जा। और इतना गुस्सा होता था कि मैं खुद भी दो बार मैंने फंदा लगाया और जो पड़ोसी थे उन्होंने उठाया, मैंने अपने नस भी काटे, अपने चक्कू मारे, जो चाकू होते हैं वो भी मैंने अपने शरीर पर डाले भगत जी। और उस दरमियान मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई भगत जी, बहुत ज़्यादा। मैंने कई बार सुसाइड इतने बार करने की कोशिश की, घर से स्कूल से अगर जाता था, मेरी माँ यही बोलती थी, क्योंकि इतनी तंग आ गई थी भगत जी मेरे से, कि मैं परमात्मा से ये विनती करती हूँ कि आज कॉलेज या स्कूल से बेटे तेरी लाश ही आई, क्योंकि तुम जिस माँ पे तूने हाथ उठाया है ना, मेरा तूने बहुत ज़्यादा अपमान किया है, और मैं एक बेटे इससे अच्छा तू पैदा ही नहीं होता जो तू मुझे मारता है। और मैं इतना मारता था भगत जी, एक बार मैंने उसको गुस्से में इतना ज़्यादा बुरी तरह मारा कि उनकी बाजू है ना जो, वो तोड़ दी थी। और बहुत ज़्यादा मेरे को बाद में पछतावा होता था, लेकिन जब गुस्सा आता था तब मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता था। संत रामपाल महाराज जी ने ये बहुत बड़ी दया बख्शी है कि आज मैं बहुत शांत हूँ, मेरी मम्मी भी, मेरी माता जी हैं जो, वो भी बिल्कुल शांत है, परिवार भी बिल्कुल शांत है। और दूसरा लाभ भगत जी ये हुआ कि हमें जो हमारे 25 साल की भूत बाधा थी, जिसको सभी ने हाथ जोड़ दिया था कि ये अब किसी के पास जाने से दूर नहीं होगी, और इस बात का पूरा गांव भी गवाह है। जब हमारे घर में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुआ करती थी तो सारे चौक पे खड़ा होकर देखा करते थे, मैं पीटता था अपनी माँ को, या मेरी मम्मी मुझे पीटती थी, या पूरे घर में ऐसा माहौल हो जाता था कि रोट खाना तक नहीं बनता था भगत जी। तो इस भूत बाधा की प्रॉब्लम से हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने निजात दिलाई है। दूसरा लाभ यह है भगत जी, हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। मुझे नहीं पता था कि परमात्मा कौन है, क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल नास्तिक था, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं वो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है, उसके लिए अपना समय व्यर्थ ना करें और सिर्फ हमें अपना कर्म करना चाहिए। और इसी आस में मैंने वो धर्म चुना था, लेकिन उस धर्म में भगत जी मैंने इतने ज़्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ा ना, कि मैं आज खुद भी उन बातों को सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे भी गिलानी महसूस होती है, कि अगर उस समय मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता, अगर आ जाता, तो इतनी सारी समस्याओं का, इतने सारे दुखों का मुझे सामना नहीं करना पड़ता था। और मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी अनहोनी हमारे घर में होने से बचा ली, वरना इतनी ज़्यादा लड़ाई में, इतनी ज़्यादा क्लेशों में किसी की जान चली जा सकती थी भगत जी। जैसे भगत जी मैंने आपको बताया कि मेरे गांव में एक महीने में 25 से 30 मौतें हुई, वो भी सारी जवानें मौतें थी, कोई फांसी लेकर मर रहा था, कोई जहर खा के मर रहा था, कोई सड़क दुर्घटना में मर रहा था, इतनी मौतें हो रही थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रखी थी। तो जो मेरे भाई जी की जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी बहुत बड़ा था, तीन जगह से उनकी टांग टूटी हुई थी। तो संत रामपाल महाराज जी की ऐसी दया हुई कि सभी ये कहने लगे कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ले रखी है, तभी इनका भाई बच गया। और हालांकि हमारे पूरे परिवार के रिश्तेदार सभी संत रामपाल महाराज जी को बुरा भला कहते थे, हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि ये संत जेल में है, इसके चक्कर में ये सभी पागल रहते हैं, इसके पीछे वैसे ही लगे हुए हैं, इसके पास कुछ नहीं है। तो उस समय संत रामपाल महाराज जी का उन्होंने ये बोला कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो इस संत में है, जो इस लड़के की एकमात्र एक ऐसा केस था जो ये ठीक हुआ है संत रामपाल जी की दया से।
और बिल्कुल संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने इतनी बड़ी दया बख्शी है कि उनको ठीक किया है। ये सबसे बड़ा संत रामपाल महाराज जी का लाभ था। अगला लाभ भगत जी ये हुआ कि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे रिश्तेदार जितने भाई बंधु हैं जो हमारे समाज के लोग आए, उनको खुद भी पता था कि हमारे घर में, जिस घर में भगत जी आप समझदार हो, जिस घर में इतने 25 साल से लड़ाई झगड़े रहेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पर आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे पढ़ने तक के पैसे नहीं होते थे भगत जी, इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी कि हमें, मैंने आपको बताया भी, मेरे ब्रदर का भी इलाज हमने सरकारी हॉस्पिटल में ही उनके 3 ऑपरेशन करवाए। तो हमारी अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई है। आज हमने 2 साल के अंदर परमात्मा ने इतना दया बख्शी है कि हमारे, हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, घर में भी तरक्की है, हमारे खुद के शारीरिक जो प्रॉब्लम थी, कष्ट थे, जो भूत बाधा थी, उसमें भी तरक्की है भगत जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी शिक्षा में बहुत अच्छी रुचि है, इस बात को आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अंत श्रद्धा के तहत जुड़ते हैं उनके अनुयायी, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? नहीं सर, ये बात मानना बिल्कुल गलत है। तो क्योंकि मैं अपना खुद का उदाहरण दे चुका हूँ, मैं संत रामपाल महाराज जी को बिल्कुल गलत मानता था कि ये संत जेल में हैं, पाखंडवाद में मैं इन संत को भी शामिल करता था कि ये जेल में हैं, इन्होंने भी देश का नाश किया हुआ। लेकिन मेरा मानना सभी भाई बहनों से ये है कि आज सारा एजुकेटेड समाज है, मैं ये चाहता हूँ कि हम किसी संत का कोई भी हो, उसको पहले हमने ज्ञान समझना चाहिए, तभी हमें उनके बारे में पक्ष या विपक्ष में तर्क रखने चाहिए। बिना ज्ञान को समझे हमें किसी भी संत या कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मैं अपने आप से, खुद से इतने, आज जब संत रामपाल जी का ज्ञान हुआ मुझे इतनी नफरत हुई भगत जी, जब मैंने नाम लिया मैं शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा रोता था कि परमात्मा मैंने आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, मतलब गलत बोला। भगत जी के साथ मेरे गाँव में बहुत डिबेट भी हो गई थी इस मैटर पर। तो संत रामपाल महाराज जी के साथ पूरा एजुकेटेड समाज जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं है। यहाँ पे तो परमात्मा का पहले ज्ञान बताया जाता है कि गीता में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, और हमारे 4 वेद हैं उनमें ये लिखा है। यहाँ पे कोई ढोल के चिमटे वाला चक्कर नहीं है कि यहाँ पे आ जाओ, सत्संग सुन लिया, प्रसाद खा लिया, चले जाओ, ये वो सत्संग नहीं है। ये सत्संग है जो आत्मा के अंदर बिल्कुल गवाही देती है आत्मा कि ये संत का, पूरा संत का सत्संग है। वास्तव में धरती पर यही संत है, जो इतने संत, इतनी ज़्यादा नॉलेज से भरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा विद्वान पुरुष हैं, तो वो एक ही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक दिन चरम सीमा पर पहुँचेगा। और बहुत ही समाज सुधार में भी, आध्यात्मिक ज्ञान का भी संत रामपाल जी ने तूफान ला रखा है। सर कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूछा छुड़वाते, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? नहीं सर, संत रामपाल महाराज जी देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। जो लोग ये, जिन लोगों का ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो उन्होंने को भ्रमित किया गया है समाज के, जगत के लोगों के द्वारा। अगर वो भक्तों के पास बैठेंगे, हमें संत रामपाल जी के द्वारा जो देवी देवता हैं उन्हीं के ही मंत्र दिए जाते हैं। और कबीर साहब जी की वाणी है, वो कहते हैं कि 3 देवा कमल बसा ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश, कि पहले इनकी हमने वंदना करनी है और फिर गुरु जी अपना मंत्र देंगे। तो पहले इन्हीं देवी देवताओं के हमारे गुरु जी मंत्र देते हैं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है भगत जी। ये संत रामपाल जी के बारे में प्रोपगंडा फैला रखा है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मैंने खुद देख लिया, मेरी तो इन देवी देवताओं में इतनी ज़्यादा नफरत थी इनके प्रति। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने विधिवत जो मंत्र दिए हैं ना हमारे शरीर में, जो कमलों में गुरु जी ने बताए हैं, अगर संत रामपाल महाराज जी का अगर आप ज्ञान सुनेंगे सच्चे दिल से, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया भी है, आप जगत की बातों को मत सुनिए, संत रामपाल महाराज जी के जो सत्संग है, सभी टीवी चैनलों पे आते हैं, आप उनको देख के निर्णय लीजिए कि क्या संत रामपाल महाराज जी देवी देवताओं को छुड़वाते हैं या नहीं छुड़वाते हैं, उनका ज्ञान क्या है और उनका उद्देश्य क्या है। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आप 25 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने 2-3 बार आत्महत्या करने की सोची, और 25 साल से परेशान रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपको उन सभी बीमारियों से, सभी परेशानियों से बचाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी, जितने हमारे समाज के लोग हैं, विश्व के जितने हमारे भाई बहन, बुजुर्ग माता बहनें हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह हमारा संत रामपाल जी ने उजड़ा हुआ परिवार बसाया है, मैंने विद प्रूफ प्रैक्टिकल देखा है, और मैं तो एक नास्तिक था, और संत रामपाल महाराज जी ने इतनी ज़्यादा हमारे परिवार में खुशियां भरी हैं। तो अगर आप कोई भी हमारी माता बहन बुजुर्ग पढ़ा लिखा नौजवान,
अगर इस ज्ञान को समझेगा, देखेगा, संत रामपाल जी द्वारा लिखित अमृतमयी पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने गिरा गीता तेरा ज्ञान अमृत, अगर इनको पढ़ेगा तो वो खुद निर्णय हो जाएगा कि कौन संत है कौन असंत है। संत रामपाल महाराज जी के शरण में आने से पहले जैसे संत रामपाल जी ने हमारे 25 साल के दुखों का अंत किया, निवारण किया है, वैसे ही जो भी श्रद्धालु जिसको परमात्मा की तरफ है अगर यहाँ पर आएगा, संत रामपाल महाराज जी उसको 100% किसी भी बीमारी से, गुरु जी कहते कैंसर छोड़, कैंसर का बाप भी हो उसका भी इलाज यहाँ पर संभव है। किसी भी कोई व्यक्ति, किसी भी आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है, कोई भी व्यक्ति जिसका कोई रोग है, कैंसर है, कोई बीमारी है, या फिर जो लड़ाई झगड़ों में जिनका पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, भूत प्रेत की जिसको बहुत तगड़ी बाधा है, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएं और अपने दुखों का निवारण करें, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो हमें शास्त्र अनुकूल साधना बताकर हमारे सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं, और कोई संत नहीं कर सकता। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी की इतनी असीम दया है कि सभी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। चैनलों पर अगर आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग को देखते हैं तो नीचे संत रामपाल महाराज जी की सत्संग जब चलते हैं उसके दौरान एक पट्टी चलती है, आप उनमें से फ़ोन नंबर नीचे लिखे हुए हैं उनमें से देखिए और संत रामपाल महाराज जी के कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ पर जो भी आपके नियरेस्ट आश्रम होगा, जो भी आपके नियरेस्ट नामदान सेंटर होगा, वहाँ पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहेब।